हेलो जी, क्या हाल है बच्चे? बेटा, हम लोगों ने अपना इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का टेस्ट पेपर लिया था। आप सबको बताया, उसके अंदर 10 क्वेश्चंस थे, 5-5 मार्क्स के ईच, टोटल 50 मार्क्स का था। एज पर रूल अगर हम बात करें तो ये 90 मिनट्स का होना चाहिए था, पर हमने आपको 120 मिनट्स दिए थे, बिकॉज आईबीसी का टेस्ट आपने पहली बार दिया है, राइट? तो ध्यान से देखिएगा बेटा, प्लीज ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर वन, सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी थे, आपके पास कोई चॉइस नहीं थी। क्वेश्चन नंबर वन, आरकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर इनकरिंग कंटिन्यूअस लॉसेस, ओके, एंड इट्स फाइनेंशियल पोजीशन वेंट बैड टू वर्स। ठीक है जी, एक कंपनी है, वो लॉसेस में है। नाउ कंपनी इज अंडरगोइंग अ सीआईआरपी। दिनेश, हु इज वन ऑफ द सीनियर एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, हैज नॉट बीन पेड सैलरी फॉर ओवर 3 मंथ्स। वो चाहता है कि मैं सीआईआरपी को स्टार्ट करूं। एक एम्प्लॉई जिसको 3 महीने की तनख्वाह नहीं मिली है, और वो 3 महीने की तनख्वाह है 4.5 लाख रुपए, अमाउंटिंग टू रुपीज 4.5 लाख, मतलब 1.5 लाख रुपए पर मंथ, 1.5 लाख रुपीज पर मंथ। तो कहता, बताओ वो जो एम्प्लॉई है दिनेश, क्या वो एप्लीकेशन डाल सकता है फॉर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस? सर, सबसे पहले तो बात ये कि क्या दिनेश ऑपरेशनल डेट में आएगा, मतलब उसका जो ये सैलरी है, क्या क्या दिनेश ऑपरेशनल क्रेडिटर है, और क्या ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है ये ऑपरेशनल डेट है? तो देखिए क्या कहता है। कहते हैं, सर ऑपरेशनल क्रेडिटर वो है एनी पर्सन टू हुम एन ऑपरेशनल डेट इज ओड एंड इट इंक्लूड्स एनी पर्सन टू हुम इट हैज बीन लीगली असाइंड। तो यहां पर क्या है, ओड वाली बात है कि कंपनी ने उससे 3 महीने काम कराया है और कंपनी ने उसको 3 महीने की तनख्वाह नहीं दी है। सिंपल सी बात है जी। तो इसका मतलब यस, वो ऑपरेशनल क्रेडिटर तो है, लेकिन क्या हमको ये पता है कि आप अगर क्रेडिटर हो तो आप सीआईआरपी डाल सकते हो, चाहे आप ऑपरेशनल क्रेडिटर हो या फाइनेंशियल क्रेडिटर हो। लेकिन जो डिफॉल्ट का अमाउंट है वो मिनिमम 1 करोड़ रुपीज होना चाहिए। तो यहां पर कितना है डिफॉल्ट का अमाउंट? 4.5 लाख रुपए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नहीं जी, ये नहीं कर सकता, इज नॉट एंटाइटल्ड टू मेक सीआईआरपी एप्लीकेशन। व्हाई? बिकॉज द अमाउंट इज लेस देन ₹1 करोड़, राइट बच्चे? तो यस सर, इतनी बात हमको अच्छे से समझ आ गई। डन। नाउ वी आर मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन। टाइम लिमिट एंड एक्सटेंशन ऑफ पीरियड इन सीआईआरपी। टाइम लिमिट कितनी होती है? 180 डेज की होती है, प्लस आप चाहो तो 90 डेज का और एक्सटेंशन ले सकते हो विद द अप्रूवल ऑफ 66% मेंबर्स ऑफ सीओसी इन वैल्यू। जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है उसमें 66% क्रेडिटर्स जो है, क्रेडिटर्स इन वैल्यू का आप अप्रूवल लेके 90 डेज के लिए और एक्सटेंड कर सकते हो। तो टोटल कितना हो गया? 270 डेज। एक बार से ज्यादा एक्सटेंशन नहीं हो सकती है, एंड कभी कभी 60 डेज और मिल जाते हैं बट वो एक्सटेंशन नहीं है, वो क्या है, स्टे इन सूट। अगर कोई कोई स्टे लग गया था प्रोसीडिंग्स वगैरह पे, तो उसके लिए 60 दिन और होते हैं। वो 60 डेज आप यहां नहीं लिखेंगे, बिकॉज ये साफ साफ टाइम लिमिट एंड एक्सटेंशन पूछ रहा है। तो दिस इज ओरिजिनल टाइम लिमिट एंड दिस इज एक्सटेंशन, राइट? नोट की फॉर्म में अगर आप इसको लिखना चाहो 60 डेज वाली बात को, तो अलग है। ये मैंने आपको क्लास में कई बार लिखवा भी रखी है पढ़ाते हुए, राइट? तो क्वेश्चंस वर प्रीटी मच सिंपल। पहला क्वेश्चन सिंपल है कि क्या एम्प्लॉई जिसको आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो ऑपरेशनल क्रेडिटर है? यस है, क्योंकि कंपनी उसको डेट ओ करती है, उसने किसी और को ट्रांसफर नहीं किया। अगर किया होता तो वो भी आता, मतलब कंपनी ने किसी को प्रॉमिसरी नोट दिया फिर उसने आगे किसी और को दे दिया, तो जिसको उसने एंडोर्स किया वो एंडोर्सी भी इसके अंदर ऑपरेशनल क्रेडिटर में आता। दूसरी बात, अमाउंट 1 करोड़ का होना चाहिए, वो मिनिमम कितना है, इसमें कितना था? 4.5 लाख। तो इसलिए वो एंटाइटल नहीं है, क्योंकि उसने 1 करोड़ या उससे ज्यादा अगर कंपनी से लेना है तो ही वो सीआईआरपी स्टार्ट कर सकता है। इसके बाद टाइम लिमिट की बात समझ आ गई, 180 डेज ओरिजिनल है, 90 डेज एक्सटेंशन है। डन। सर इलैबोरेट ऑन वाटरफॉल अरेंजमेंट। सर वाटरफॉल अरेंजमेंट जो है ये सेक्शन 53 है। सेक्शन 53 क्या बोलता है कि भाई जब एक कंपनी का सीआईआरपी फेल हो गया, अब एक कंपनी थी उसका कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फेल हो गया, तो चीजें लिक्विडेशन की तरफ चली जाती है। लिक्विडेशन की तरफ चली जाती है तो सेक्शन 33 से लिक्विडेशन स्टार्ट हो जाता है, 33 ऑनवर्ड्स, राइट? अब कहता है 33 से जब लिक्विडेशन स्टार्ट होता है तो जाते 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 सेक्शन नंबर 53 आता है, जो वाटरफॉल अरेंजमेंट की बात करता है। वाटरफॉल अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई अब जब लिक्विडेशन हो रहा है तो पहले कौन सा पैसा किसको मिलेगा, फिर किसको मिलेगा, फिर किसको मिलेगा।
अगर आपको याद हो तो हमने इसके अंदर पढ़ा था कि सबसे पहले इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की कॉस्ट जो फेल हो गया, क्योंकि इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस तो हुआ ही नहीं सक्सेसफुल, तभी तो लिक्विडेशन की तरफ आए, तो उसकी कॉस्ट एंड लिक्विडेशन की कॉस्ट दोनों माइनस की जाती है। इसके बाद पैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वर्कमैन में फॉर लास्ट 24 मंथ्स का जो आउटस्टैंडिंग है, एंड कहता है सिक्योर्ड क्रेडिटर ने जिसने रिलिंक्विश करी अपनी सिक्योरिटी। याद करो मैंने आपको क्या बताया था, मान लो फॉर एग्जाम्पल कि आओ आपने इंप्लॉइज का पिछले 4 साल का पैसा देना है। अब इंप्लॉइज का अगर 4 साल का पैसा देना है तो इस स्टेज पे सिर्फ पिछले 2 साल का दिया जाएगा, 24 मंथ्स का दिया जाएगा। सर 24 मंथ्स से अगर कोई पुराना पैसा है तो वो यहां नहीं आएगा, वो कहां आएगा, वो यहां आएगा एनी रिमेनिंग डेट्स एंड ड्यूज में। अगर मान लो 4 साल पुराना, मतलब पिछले 48 मंथ्स का इंप्लॉइज का हमने लेबर की वेजेस देनी है पिछले 48 मंथ्स की या 36 मंथ्स की, मतलब 2 साल से ज्यादा की, तो 2 साल की स्टेज पे दी जाएगी स्टेप नंबर 2 पे, और बाकी अगर आउटस्टैंडिंग है तो स्टेप नंबर 6 में दी जाएगी। इसके बाद कहता है डेट ओड टू सिक्योर क्रेडिटर। अब सुनो, जो कंपनी है जिसका लिक्विडेशन चल रहा है, जिसका सीआईआरपी फेल हो गया है, याद करो मैंने इसके अंदर पढ़ाया हुआ है कि भाई अगर जो इस कंपनी का कोई और सिक्योर क्रेडिटर था जिसके पास कंपनी ने कोई चार्ज क्रिएट किया हुआ था, अगर वो अपनी एसेट को छोड़ देता है और बोलता है कि ठीक है जी मेरी एसेट को भी बोलता है आप लिक्विडेटर आप ही ले जाओ, मैं इस एसेट पे अपना राइट एक्सरसाइज नहीं कर रहा, तो फिर उसको इसी स्टेज पे पैसे मिल जाएंगे। किसको? उस सिक्योर्ड क्रेडिटर को जिसने रिलिंग्विश किया अपनी सिक्योरिटी पे राइट के, ठीक है यार मैं इस पे राइट एक्सरसाइज नहीं कर रहा। लेकिन अगर उसने मान लो सिक्योर्ड एसेट पे अपना राइट एक्सरसाइज किया था, उसको बेच के पैसे वसूल किए थे, फिर भी पैसा पूरा नहीं हुआ था, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि मान लो 2 करोड़ रुपए की एसेट थी इसके पास, इसने कहा था मैं छोड़ रहा हूं ये भी लिक्विडेटर को दे दो, जब सबको पैसा मिलेगा मैं भी ले लूंगा, तब उसको यहां सेकंड लेवल पे प्रायोरिटी मिलेगी सेकंड नंबर पे। लेकिन अगर उसने वो सिक्योरिटी सिक्योर्ड एसेट को बोला था मैं तो नहीं छोड़ रहा, और सिक्योर्ड एसेट से उसने बेच के पैसा वसूल किया था, पैसा वसूल किया फिर भी थोड़ा सा पैसा बच गया था, तो फिर वो वाला अमाउंट उसको कहां मिलेगा? सर फिर वो वाला अमाउंट उसको यहां मिलेगा स्टेप नंबर 5 पे। देखिए डेट ओड टू अ सिक्योर्ड क्रेडिटर फॉर एनी अमाउंट अनपेड फॉलोइंग एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट, मतलब उसने सिक्योरिटी पे कब्जा करके उसने कहा था मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं लिक्विडेटर को नहीं दूंगा, मैं तो बेच के पैसा वसूल करूंगा, उसने बेचा पैसा वसूल किया और पैसा पूरा नहीं आया, कुछ बच गया, जो बच गया फिर उसको यहां नहीं मिलेगा, फिर उसको यहां मिलेगा। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, अगर आप सिक्योर्ड क्रेडिटर हो ऑर्गेनाइजेशन के और आपने अपनी एसेट का राइट छोड़ दिया, रिलिंक्विश कर दिया, तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी ऊपर पॉइंट नंबर 2 पे। अगर आपने उस एसेट को बेच के पैसे वसूल किए थे, आपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को एनफोर्स किया था, फिर भी कुछ पैसा रह गया था, बैलेंस नहीं हुआ था, रिकवर कोई डेफिसिट था, तो वो आप पॉइंट नंबर 2 में नहीं, वो आप पॉइंट नंबर 5 में रिकवर करेंगे। लेबर की जो वेजेस है, लेबर यहां पर कह रहा है वेजेस ऑफ एम्प्लॉइज, ऊपर कह रहा था वर्कमैन, अब ध्यान से सुन लो, यहां वर्कमैन की बात करता है या एम्प्लॉइज की बात करता है? मैंने आपको बता रखा है जेनेरिक वे में कि अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपए, अगर आप लोअर लेवल पे काम करते हो, अगर आप बिलो सुपरवाइजरी लेवल काम करते हो एंड आपकी जो सैलरी है वो 10,000 रुपए से कम है, तो यस आप वर्कमैन माने जाओगे, अदरवाइज आप एम्प्लॉय माने जाओगे। एम्प्लॉय की पिछले 12 महीने की सैलरी मिलेगी, मतलब पहले लेबर को देखा जाएगा फिर एम्प्लॉयज को देखा जाएगा, और लेबर को पिछले 2 साल की सैलरी दी जाएगी और एम्प्लॉयज को पिछले 12 महीने की सैलरी यहां दी जाएगी। अच्छा सर अगर इससे भी ऊपर की सैलरी एम्प्लॉयज की बची है तो वो भी यहीं आ जाएगी पॉइंट नंबर 6 में। इसके बाद फाइनेंशियल डेट ओड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की बात यहाँ पे आएगी। इसके अलावा हमने सरकार का कोई पैसा देना है वो आएगा यहाँ पे, लेकिन कितने साल का? पिछले 2 साल का। अगर सरकार का हमने पिछले 4 साल का पैसा देना है तो 2 साल का यहाँ आएगा, बाकी 2 साल का नहीं आया वो कहाँ आएगा? वो भी पॉइंट नंबर 6 में आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहां पर भी ऊपर 24 महीने 12 महीने 2 साल दिया हुआ है वो सबका, उससे ज्यादा का अगर ड्यू है तो उतना तो वहीं मिल जाएगा, उसके बाद भी अगर कोई बैलेंस है तो वो आप पॉइंट नंबर 6 के अंदर क्लेम करेंगे। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा मिलेगा, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को। अच्छा इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैंने आपको पेपर में दिया था, अगर आप देखेंगे इसी से मिलता जुलता, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 है, वाटरफॉल अरेंजमेंट में ये पॉइंट्स हैं 8 पॉइंट्स, इसी से मिलता जुलता मैंने आपको एक क्वेश्चन नंबर 10 दिया था। देखिए अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, देखिए यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहे जी कंपनी जो है उसका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी में लिक्विडेशन चल रहा है, आप रैंक करो कौन सी चीज कहाँ आएगी। यहाँ लिखा है कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन, वर्कमैन का ड्यूज, एम्प्लॉइज का ड्यूज। अभी मैंने आपको बताया था कि भाई कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन पहले नंबर पे आएगी, फिर लेबर का आएगा, फिर एम्प्लॉइज का आएगा। यस सर अभी आपने बताया था, तो कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन, फिर वर्कमैन एंड देन एम्प्लॉइज। और यहाँ वर्कमैन में कह रहा है पिछले 12 महीने का है, कहता है सर 24 महीने तक का आप ले सकते हो, 24 महीने तक का जो पैसा है वो पॉइंट नंबर 2 पे ही मिल जाता है वर्कमैन का, एंड दैट टू अलॉन्ग विद द सिक्योर्ड क्रेडिटर। कौन सा सिक्योर्ड क्रेडिटर? अभी हमने पढ़ा था जिसने अपनी रिलिंक्विश कर दी है
जिसने रेलिंग्विश कर दी है अपने राइट्स को, और कह रहा है एम्प्लॉय स्केड्यू 15 महीने के, ना जी ना, एम्प्लॉयज के 12 महीने के होते हैं, अभी हमने देखा एम्प्लॉयज के 12 महीने के ड्यूज होते हैं, 15 महीने के नहीं, 12 महीने के यहां मिलेंगे, और फिर 15 महीने के 3 महीने के कम बढ़ गए वो कहां मिलेंगे, वो मिलेंगे स्टेप नंबर 6 में, अगर पैसा बचा तो, देखो वो मिलेंगे स्टेप नंबर 6 में। देखो सर, एम्प्लॉयज के 12 महीने के यहां मिलेंगे, और अगर उससे भी कोई ऊपर बच गया तो वो कहां जाएगा, स्टेप नंबर 6 में, राइट। इसको मैंने आपको क्लास के अंदर 1 घंटे के अंदर विद न्यूमेरिकल्स विद एग्जांपल्स बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, राइट बच्चे, यस सर। अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है एबीसी लिमिटेड हैज इनिशिएटेड इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट आरएस लिमिटेड फॉर रिकवरी ऑफ डेट ऑफ 2.86 करोड़। एबीसी लिमिटेड है, उसने इनिशिएट किया है प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट आरएस फॉर रिकवरी ऑफ 2.86 करोड़। एबीसी लिमिटेड इंटेंड्स टू अपॉइंट राहुल वन ऑफ इट्स एम्प्लॉयज ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, मतलब अपनी जो स्टैट्यूटरी ऑडिट फॉर्म है उसके एम्प्लॉय को ये आरपी बनाना चाहते हैं। नहीं बना सकते भाई, ही हैज टू बी इंडिपेंडेंट। सिंपल सी बात है ना यार, कि आप आईबीबीआई की रेगुलेशन साफ साफ बोलती है कि अगर एक कॉरपोरेट डेटर, एक कंपनी किसी को अपना आरपी बनाना चाह रही है, पहले आईआरपी बनता है फिर आरपी बनता है, दिस आरपी हैज टू बी इंडिपेंडेंट। वो ऑडिट फर्म से उसका कोई लेना देना, मतलब सीए सीए सीएमए फर्म या कंसल्टेंसी फर्म वगैरह से उसका लेना देना नहीं होना चाहिए। ही हैज टू बी इंडिपेंडेंट, याद रहेगी बात, ही हैज टू बी इंडिपेंडेंट, राइट। जहां तक मुझे याद आ रहा है इट वॉज रेगुलेशन नंबर 32 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पता नहीं क्यों दिमाग में 32 नंबर बार बार फ्लैश कर रहा है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं तो मैं लिखूंगा नहीं, बट यस इट इज मे बी रेगुलेशन नंबर 32। अब देखिए क्या कह रहा है सर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये समझ आ गया ना कि यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट, ही हैव टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ दी कॉर्पोरेट डेटर, लेकिन इस केस में राहुल जो है वो उनके ऑडिटर्स का एम्प्लॉई है तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है, डन। अब यहां पर कह रहा है एनसीएलटी हैज पास्ड द ऑर्डर फॉर कमेंसमेंट ऑफ सीआईआरपी ऑफ डोरा ट्रेवल्स, ठीक है, वन ऑफ इट्स डायरेक्टर्स अप्रोच टू नो अबाउट मोराटोरियम, सेक्शन नंबर 14 होता है मोराटोरियम। मोराटोरियम का मतलब क्या होता है याद करो, स्टे ऑर्डर लग जाता है जिस दिन एनसीएलटी एडमिशन को एक्सेप्ट करता है, आपकी जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट करता है, वही हमारा सीआईआरपी कमेंसमेंट डेट हो जाता है, और सीआईआरपी कमेंसमेंट डेट जो होती है उससे मोराटोरियम लग जाता है, राइट। उसके बाद कोई भी नया बंदा केस नहीं कर सकता कंपनी पे, कोई भी नया बंदा केस नहीं करेगा, राइट, नया केस नहीं करेगा और पुराना केस कंटिन्यू नहीं होगा, याद रहेगी बात। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, कोई नया केस होगा ही नहीं, स्टे लग जाएगा उस पर, और जो भी पुराने केसेस चल रहे थे वो भी कंटिन्यू नहीं होंगे, उन पर भी स्टे लग जाएगा, मतलब कोई नया केस होगा नहीं और कोई पुराना केस चलेगा नहीं, राइट। इसके बाद जो कंपनी है, जो कॉर्पोरेट डेटर जिसका सीआईआरपी चल रहा है, वो कोई एसेट वगैरह ट्रांसफर नहीं कर सकती, गिरवी नहीं रख सकती, डिस्पोज नहीं कर सकती, राइट। नो ट्रांसफर एनकमरिंग अलाइनेटिंग एंड डिस्पोजिंग बाय दी कॉर्पोरेट डेटर ऑफ इट्स एसेट्स, मतलब कंपनी अपना स्टेटस क्यों मेंटेन करेगी, कंपनी पे कोई केस नहीं होगा, कंपनी पे पुराने केसेस रुक जाएंगे, कंपनी को एसेट वगैरह ट्रांसफर नहीं कर पड़ेगी। मैं बार बार बोलता हूँ कि सीआईआरपी स्टार्ट होने का मतलब है कि आप आईसीयू में आ गए, अब आईसीयू में आ गए तो आप वेंटिलेटर पे आ गए, वेंटिलेटर पे आ गए तो आपको दीन दुनिया से दूर कर दिया जाएगा, कोई विजिटर नहीं आएगा, कोई आपको आपको सारे ग्राउंड से दूर कर दिया जाएगा, क्योंकि आपकी जान बचाना जरूरी है। इन द सेम मैनर आपका रिवाइवल जरूरी है यहाँ पे कॉर्पोरेट का, तो इसीलिए यहाँ पर आप पे जितने केसेस नए हो, कोई नया केस नहीं होगा, कोई पुराना केस है तो वो होल्ड पे चला जाएगा, आप अपना स्टेटस क्यों मेंटेन करोगे, मतलब जो कॉर्पोरेट डेटर है सीडी वो अपनी एसेट्स वगैरह को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। और तो और आपकी कोई एसेट किसी और के पास गिरवी पड़ी थी, अब गिरवी पड़ी थी अंडर सरफासे एक्ट 2002। अब आपको पता है सरफासे एक्ट 2002 के अंदर क्या होता है कि 90 डेज तक पहले अगर आपका पैसा नहीं आया तो सामने वाला वेट करता है 90 डेज तक सिक्योर क्रेडिटर, क्यों, क्योंकि वो एनपीए होती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। फिर उसके बाद वो 60 डेज का नोटिस आपको और देता है तो 150 डेज पूरे कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद वो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको उठाता है, कब्जा करता है और बेच के पैसे वसूल करता है। अब मान लो 150 डेज हो चुके थे, अब वो आपकी एसेट को उठा के बेचता, लेकिन उससे पहले पहले आप पे मोराटोरियम लग गया, मतलब किसी और ने सीआईआरपी डाल दिया, मतलब वो एक अलग क्रेडिटर था, आपने उसके पैसे देने थे, वो सिक्योर था, उसके बाद एसेट थी अंडर सरफासे एक्ट, इससे पहले वो एक्शन लेता 150 डेज के बाद, यहां किसी और ने सीआईआरपी की एप्लीकेशन डाल दी और आप पे मोराटोरियम लग गया, तो वो वाला बंदा जिसके बाद आपकी एसेट गिर गई है वो सरफासे में कोई एक्शन नहीं ले सकता, ही कैन नॉट टेक एनी ऑफ द एक्शन अंडर सरफासे, वो भी रुक जाएगा। इससे पता चलता है कि आईबीसी इज सुपीरियर टू सरफासे, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट।
देन कह रहा है द रिकवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी। ये वाला पॉइंट याद करो, अगर आपको याद आ रहा हो मैंने कहा था ये वाला पॉइंट थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है सामने वाले की लगा देता है। कहते थे देखो एक कंपनी है उसका CIRP चल रहा है, उस कंपनी ने कोई जगह मेरी किराए पे ले रखी है, मैं लैंडलॉर्ड हूं, मैंने जगह कंपनी को किराए पे दे रखी है, उसका CIRP चल रहा है। कहता है जब तक उसका CIRP चल रहा है तब तक मैं कंपनी से किराया भी नहीं मांग सकता जो पुराना बकाया है, और मैं उसको खाली भी नहीं करा सकता। मतलब ये वाला पॉइंट कंपनी के फेवर में जा रहा है, लेकिन लैंडलॉर्ड सोचो जिसकी जमीन पर कंपनी बैठी हुई है वो मर गया बेचारा। तो द रिकवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय ओनर और लेसर वेयर सच प्रॉपर्टी इज ऑक्यूपाइड बाय द कॉर्पोरेट डेटर। मतलब अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी कॉर्पोरेट डेटर के पास है एज अ किराएदार, तो एक तो पहले उन्होंने 2 साल का किराया नहीं दिया मुझे, ना वो मैं किराया मांग सकता हूं, उसके अलावा मैं उन्हें निकलने के लिए भी नहीं बोल सकता। राइट बच्चे, क्लियर है जी सबको? हाँ सर, हमें ये बात समझ आ गई। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, 4 पॉइंट्स, केसेस रुक जाएंगे, उसके अलावा प्रॉपर्टी हम ट्रांसफर वगैरह नहीं कर पाएंगे, डिस्पोज नहीं कर पाएंगे, मॉर्गेज वगैरह नहीं कर पाएंगे, तीसरा कि हमारा जो हमारी जो किसी और के पास हमारी एसेट पड़ी है, जिसके पास भी एसेट पड़ी है हमारी, वो बंदा जो है जिसके पास भी एसेट पड़ी है वो सरफासे एक्ट के अंदर हमारी प्रॉपर्टी को एनफोर्स नहीं कर पाएगा अगर उससे पहले पहले स्टे ऑर्डर लग गया। एंड लास्ट, हमारा मकान मालिक भी हमको नहीं निकाल पाएगा, हालांकि कंपनी के फेवर में है लेकिन उस मकान मालिक के अगेंस्ट है। योगेंद्र इज एन अलॉटी ऑफ अ फ्लैट इन अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। तो अलॉटी ऑफ अ फ्लैट है, और अगर इसको फ्लैट डिलीवर नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि ये फाइनेंशियल क्रेडिटर है। ये बात तो जग जाहिर है, मैं आपको बता चुका हूं, राइट? कई बार पढ़ाया मैंने। ही हैज अप्रोच यू टू नो वेदर ही कैन मेक एप्लीकेशन अंडर IBC। वॉट स्टेटस कैन ही मेक एन एप्लीकेशन एज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर, जैसा मैंने आपको बोला, राइट? एज अ, क्योंकि ये रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में अगर आप अलॉटी हो तो मतलब है कि आप फाइनेंशियल क्रेडिटर हो। ऑल्सो ब्रीफ द टाइमलाइन, टाइमलाइन वही 180 प्लस 90 प्लस 60 330, ये रहा 330। 180 ओरिजिनल है, 90 डेज एक्सटेंशन है विद द 66% अप्रूवल ऑफ COC इन वैल्यू, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स इन वैल्यू, एंड 60 डेज जो है वो हमारे आ जाते हैं, 60 दिन वो किस चीज के आ जाते हैं, वो आ जाते हैं हमारे अगर कोई सूट वगैरह उस पर स्टे लगा था तो इसलिए 330 डेज में वो आ गया। अब यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ एग्जामिनर ने दी नहीं हुई, पता नहीं एग्जामिनर क्यों मिस कर गया इसमें, ICSI ने अपने सजेस्टेड आंसर में नहीं दी, जिसके मार्क्स मैं काट लूंगा। मतलब अगर ये आंसर मान लो 5 नंबर का है तो ये जिस बच्चे ने ये पूरा आंसर लिखा होगा जो हमारे सामने नजर आ रहा है, मैं इसमें 2 से ऊपर नहीं दूंगा, क्योंकि 3 नंबर काट लोगे यार सर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मिस कर दी उसने कि भाई मान लो एक सोसाइटी है, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, उसके अंदर मान लो फॉर एग्जाम्पल 500 फ्लैट है। अब 500 में से सिर्फ मेरे को ही नहीं दिया, बाकी सबको दे दिया उसने, 499 को दे दिया, सिर्फ मेरे को ही नहीं दिया। और हो सकता है मेरे से कोई अकेला कलेश चल रहा हो या कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, कोई झगड़ा चल रहा हो, तो भाई इस केस में मैं अकेला थोड़ी चला जाऊंगा इंसॉल्वेंसी के लिए ना। कितने लोग जाएंगे? 1/10 होम बायर्स, 1/10 फ्लैट ओनर्स, या 100 विच एवर इज लेस। मतलब अगर 500 फ्लैट्स हैं तो 500 का 1/10 हो गया 50, 50 या 100 लेस किया 50, तो कम से कम 50 फ्लैट ओनर्स जाएंगे तो ही CIRP स्टार्ट होगा, वरना नहीं होगा। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड आई डोंट नो क्यों एग्जामिनर ने इसको यहां नहीं डाला, पता नहीं ICSI ने क्या सोच के ये आंसर लिखा, लेकिन 1/10 ऑफ दी होम बायर्स, तो अगर 800 फ्लैट है तो 80 और 100 विच एवर इज लेस, 1500 फ्लैट है तो 150 और 100 विच एवर इज लेस, मतलब 100, तो कम से कम इतने लोग CIRP स्टार्ट करेंगे। एक अकेला होम बायर कुछ नहीं उखाड़ सकता, चाहे उसका फ्लैट 2 करोड़ का था, 1 करोड़ या उससे ज्यादा की वैल्यू का था, लेकिन स्टिल वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि होम बायर्स के केस में 1/10 और 100 विच एवर इज लेस वाला क्राइटेरिया आ जाता है। आगे कह रहा है सर, युवान इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंटिन्यूअसली मेकिंग लॉसेस, ठीक है, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर प्लानिंग टू वॉलेंटरली वाइंड अप। सेक्शन 59 है ना यार, सेक्शन 59 है जो वॉलेंटरली वाइंड अप की बात करता है। आपको पता है इसके अंदर डिक्लेरेशन जाती है, इसके अंदर BR+SR जाता है, MGD 14 जाता है, पब्लिक अनाउंसमेंट जाएगा, क्रेडिटर्स का अप्रूवल होगा, सर इसमें क्लेम वेरीफाई होंगे, ये रहा क्लेम वेरीफाई होंगे, फिर कंपनी एक अकाउंट बनाएगी जो लिक्विडेटर के कंट्रोल में होगा, और उस अकाउंट का नाम भी होगा इनवॉलेंटरी लिक्विडेशन। उसके बाद सारी एसेट्स को बेचा जाएगा, फिर जैसे जैसे पैसा आएगा उसको बांटा जाएगा, फिर फाइनल रिपोर्ट NCLT के जो बेसिकली जो लिक्विडेटर है कंपनी का वो NCLT को रिपोर्ट देगा,
एंड फिर एनसीएलटी डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास कर देगी। इस प्रोसीजर को भी हमने बहुत डिटेल में क्लास में डिस्कस किया हुआ है। आई होप आप एक चीज समझ रहे हो कि भाई ये टेस्ट सीरीज है, और टेस्ट सीरीज है इसका मतलब है कि मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूं, आपको अच्छे तरीके से वो चैप्टर रिवाइज हो चुका है, फिर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो। और मैं तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि क्या क्या आंसर होना चाहिए था। आप समझ रहे हो कि मैं आपको हिंट दे सकता हूं, थोड़ा सा रिवाइज करा सकता हूं, लेकिन अब ये वाला क्वेश्चन जो है वॉलंटरी लिक्विडेशन, अगर आप इसको यूट्यूब पे जाके देखोगे, मैंने 3 घंटे का डाला हुआ है, और आपको जब मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है वो थोड़ा सा हाई लेवल का है, क्लास में जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं इसको 1 घंटे में पढ़ाता हूँ, तो ऑब्वियसली बात है कि मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको ये सारी चीजें याद है। इसमें मैं टाइमलाइन भी बताता हूँ, विद इन 7 डेज, विद इन 4 वीक्स, विद इन 30 डेज, विद इन 45 डेज, वो सारी टाइमलाइन भी हम इसके अंदर करते हैं। एक्सप्लेन द टर्म इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट। सर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट में क्या क्या आता है? सबसे पहले अगर हम बात करें, इंटरिम फाइनेंस आता है, मतलब कई बार क्या होता है जो आईआरपी और आरपी होता है वो कुछ फाइनेंस रेस करता है कंपनी को चलाने के लिए। क्यों? क्योंकि भाई जब इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा होता है तो कंपनी का काम बंद नहीं होता, कंपनी का काम चलता रहता है, बस डायरेक्टर से सारी पावर हटके रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास आ जाती है। तो अगर उसने कोई इंटरिम फाइनेंस रेस किया है, उसकी जो फीस है, आरपी की जो फीस है, धंधा चलाने की जो कॉस्ट आ रही है, अगर कोई एक्सपेंस है जो उसने किया है इन रिलेशन टू गवर्नमेंट, अगर मतलब गवर्नमेंट ने कोई खर्चा किया उसके व्याप पे, फिर उसे गवर्नमेंट को पे करना है, एंड एनी अदर कॉस्ट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय बोर्ड, और वो स्पेसिफाइड बाय बोर्ड कहाँ होगा? रेगुलेशंस में। मैंने आपको आईबीबीआई में एक चीज बड़ी क्लियर बताई थी, अगर आपको याद आ रहा हो तो, कहीं पर भी अगर प्रिस्क्राइब लिखा होगा तो इसका मतलब है कि हम एमसीए के रूल्स फॉलो करते हैं, और कहीं पर भी अगर स्पेसिफाइड लिखा होगा तो इसका मतलब है कि हम आईबीबीआई की रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। एटलीस्ट ये उन लोगों को तो पता है जिन्होंने मेरे से पढ़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सर आरपी की फीस आ गई प्लस इंटरिम फाइनेंस आ गया, सर आरपी की फीस आ गई प्लस इंटरिम फाइनेंस आ गया प्लस बिजनेस रनिंग कॉस्ट आ गई, बिजनेस रनिंग कॉस्ट प्लस एक्सपेंस रीइंबर्स टू गवर्नमेंट, वो एक्सपेंस जो गवर्नमेंट को रीइंबर्स करने हैं वो आ गए बेटा इसके अंदर, प्लस स्पेसिफाइड अदर स्पेसिफाइड, कुछ और अगर सरकार ने स्पेसिफाई किया है तो वो भी आ गया। डन। लास्ट में कह रहा है व्हाट आर दी ड्यूटीज ऑफ आईआरपी, क्वेश्चन नंबर 9, 10 हमने अभी डिस्कस कर लिया था, जो हमारा रिलेटेड था फ्रॉम 53, दैट वाज वाटरफॉल अरेंजमेंट, उससे रिलेटेड था ना। ड्यूटीज ऑफ आईआरपी, सर आईआरपी जो है वो पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा, यस आईआरपी पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा, आईआरपी क्लेम्स को इनवाइट करेगा, आईआरपी जो है वो वैल्यूएशन करवाएगा किसकी, कॉर्पोरेट डेटर की। और वैल्यूएशन से रिलेटेड मैंने आपको चीजें बताई थी कि वो 2 लोगों से वैल्यूएशन कराएगा, अगर वो 2 लोगों से वैल्यूएशन करवाएगा तो उन दोनों की एवरेज लेंगे और फिर दैट वुड बी द टोटल वैल्यूएशन। मान लो उसने 2 वैल्यूअर्स को, रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स को अपॉइंट किया, एक ने बोला कि सारी एसेट्स की वैल्यू है 5 करोड़ 10 लाख, एक ने बोला 5 करोड़ 40 लाख, तो एवरेज आउट करके वो निकालेगा तो 5 करोड़ 10 और 40 के बीच में 5 करोड़ 25 लाख रुपए की वैल्यूएशन जो है वो फाइनल हो जाएगी, राइट बच्चे। और अगर अगर गैप बहुत ज्यादा आ रहा है, एक कह रहा है 5 करोड़, एक कह रहा है 8 करोड़, गैप बहुत ज्यादा है, तो फिर दूसरे एक और तीसरे वैल्यूअर को बुलाया जाएगा, फिर वो तीसरा वैल्यूअर जिसके पास की वैल्यू बोलेगा, मतलब एक ने 5 बोला, एक ने 8 बोला, तो तीसरे को बुलाया गया, उसने 7 बोला, तो एवरेज 7 और 8 की ले ली जाएगी, 7.5। और अगर तीसरा वैल्यूअर आया, उसने बोला 5.5, तो फिर 5 और 5.5 की, मतलब 2 वैल्यूअर्स की वैल्यू में अगर बहुत ज्यादा गैप है तो तीसरे वैल्यूअर को बुलाया जाएगा, और तीसरा वैल्यूअर जिसके नियरेस्ट वैल्यू बोलेगा उन दोनों की एवरेज ले ली जाएगी, यस सर। तो ये सारी की सारी चीज हमने पढ़ी हुई है। डन। तो इट वॉज ऑल अबाउट आईबीसी। आईबीसी क्योंकि हमने पढ़ा बहुत डिटेल में है, बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा है, इसलिए मुझे लगता है कि जिस भी बच्चे ने आईबीसी के मेरे सारे लेक्चर अटेंड किए हैं उस बच्चे को इस पेपर में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, उसको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आएंगे। लेकिन हाँ, मैं एक चीज बता दूं कि आपके लिए राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बच्चे, इसीलिए आप सोच के देखिए, आपके सीएस एग्जीक्यूटिव के 5 लॉज है, 5ों में अगर आप 25-25 चैप्टर भी एवरेज आउट मानो, किसी में 17 है, किसी में 30 है, 25 चैप्टर भी अगर आप एवरेज आउट मानो, मैं कहता हूँ 22 चैप्टर भी एवरेज आउट मानो, तो 110 टेस्ट का मतलब समझ लो 4 महीने टेस्ट। अगर मैं मंडे टू फ्राइडे टेस्ट लूँ, सैटरडे संडे नहीं लेता हूँ मैं टेस्ट, तो 1 महीने के अंदर
इसका मतलब हो गया 20 टेस्ट, 110 टेस्ट, मतलब 5 महीने लगातार हर रात को 9 बजे आपको मिलना है, टेस्ट देना है। सोच के देखो, जब आप इतनी सारी प्रैक्टिस करोगे तो आपका आने वाला जो फाइनल एग्जाम है अपना, जो भी जून या दिसंबर का अटेम्प्ट होता है, वो कहाँ से निकलेगा, मतलब कहाँ, मतलब कोई स्कोप ही नहीं रहेगा कि भाई वो बच के निकल जाए आपसे। यू विल बी एबल टू, कहते ना, फोड़ दोगे एग्जाम को। तो मैं बार बार यही बोलूंगा बच्चे कि आपको चैप्टर पढ़ना है, लेक्चर देखना है, चाहे आप लाइव में देखो, चाहे आप रिकॉर्डेड में देखो, चाहे आप पेनड्राइव फॉर्मेट में देखो, जिसमें देखना है देखो। उसको देखने के बाद आपको रीड करना है जो मैंने लिखवाया है कॉपी में, साथ में मेरी जो बुक में दिया है, और मल्टीपल रीड देने के बाद अपनी ही आवाज में वॉइस नोट्स बनाने हैं, उसको बार बार सुनना है, एंड देन यू आर रेडी टू गो फॉर दिस टेस्ट। एंड जितने टेस्ट दोगे उतनी राइटिंग प्रैक्टिस आपकी ज्यादा होगी एंड फाइनल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होंगे, राइट? तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट चैप्टर के किसी एनालिसिस के साथ। टिल देन, दिस इज सीएस अमित वोरा साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय, थैंक यू।